नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर। वॉरियर की हमारी गेस्ट हैं श्रीमती जया मिलिंद तिवारी। मिलिंद तिवारी जी को वार्ड क्रमांक उत्तर में बंटी तिवारी जी के नाम से यहाँ के जनमानस पहचानता जानता, खूब प्रेम भी उड़ाता है उन पर। बंटी जी का कृतित्व तो पूरा इलाका जानता ही है, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन संभावित प्रत्याशी बतौर उनकी श्रीमती जया जी इन दिनों काफ़ी मेहनत कर रही है। पहले उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम तो किया ही है, लेकिन अब राजनीतिक क्षेत्र में भी खूब काम करने की उनकी इच्छा है। जया जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी नमस्कार, बिल्कुल। जय श्री कृष्णा, सभी जनता को बहुत बहुत आभार और सभी को जय श्री कृष्णा। बिल्कुल जया जी, किस तरह मन में ये भाव आया कि आपको जन सेवा तो करना ही थी, लेकिन राजनीतिक बैनर के तले जन सेवा करना है, और इसके लिए आपने बाकायदा कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और कोशिश की है लगातार कि आप अब कांग्रेस पार्टी के बैनर तले काम करें, आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में अपना भाग्य भी आजमाएं और फुल फ्लैश होकर जन सेवा के लिए मैदान पकड़ लें? मैं इसके लिए यही बोलूँगी कि आदरणीय हमारे कमलनाथ जी, उनकी 15 महीने की सरकार ने जो काम किया, मैं देखती हूँ कि वो काम आज बीजेपी ने 15 साल में नहीं किया, इसलिए मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। और आदरणीय हमारे विनय भाई हैं जो मुझे इस क्षेत्र में लेके आए हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से आभार करूँगी। उनका मुझ पे बहुत विश्वास है और मैं यही चाहूँगी कि मैं उनका विश्वास हमेशा बरकरार रखूँ। बिल्कुल सही कहा है जया जी, आपने जिस तरह से विनय जी का एक व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं कमिटेड पॉलिटिशियन के बतौर कहलाते हैं, बिरले पॉलिटिशियन है विनय जी, और कहीं ना कहीं लगातार आप जैसे जो एजुकेटेड हायर एजुकेटेड लोग उनको देखते हुए, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को देखते हुए कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ना केवल ज्वाइन कर रहे बल्कि एज ए जनप्रतिनिधि बतौर पहचाने जाए, इसके लिए अथक मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप जैसे नए नवेले जो भावी लीडर बनना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरा शहर भी जानना चाहता है कि अगर कौन सा शख्स, कौन सी महिला नेत्री किस वार्ड से इस बार अपने भाग्य को आजमाना चाहती है और किस तरह की तैयारियाँ कर चुकी है। बाकी आप जैसी महिलाएं जब समाज में आगे आना चाहती है तो ये समाज की खुशकिस्मत कहेंगे कि आप जैसा व्यक्तित्व आगे आएगा जिसके मन में जन सेवा का भाव है, कहीं ना कहीं वो जीवटता के साथ में बहुत सारा काम करना चाहता है। आपके बाल्यकाल की सबसे पहले बात करेंगे कि आपका बचपन कहाँ हुआ, किस तरह आपकी परवरिश हुई, किस तरह के आपको गुण मिले, संस्कार मिले, सीख मिली कि लोगों की सेवा करने के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते एक दिन ऐसा आए कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आप कूद पड़े? मैं आपसे इसके बारे में यही कहूँगी कि मेरा जन्म धार में हुआ है और उच्च कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है। बचपन से ही मैं धार्मिक प्रगति की हूँ। हमारे धार में एक दुर्गा माता का मंदिर है, 5 साल से मैं वहाँ, मतलब 5 साल की उम्र से सेवा करती आई हूँ। मेरा शुरू से भजन कीर्तन इन चीज़ों में हमेशा रुचि रही है, बहुत बड़ी बात। और मैं हमेशा यही लोगों को हमेशा जोड़ने का ही काम करती आई हूँ। क्यों? क्योंकि एक बड़े परिवार से है मेरा बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैंने हमेशा यही देखा है कि परिवार जैसा जुड़ता है वैसे ही हम अगर चाहें तो समाज को भी एकजुट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, समाज को एकजुट कर सकते हैं, और ये संगठित परिवार की खूबी होती है। संगठित परिवार के लोग ही कोशिश करते हैं कि हम समाज में भी काम करें, साथ ही साथ जिस क्षेत्र में रहते उस क्षेत्र के विकास की भी चिंता करें। बाकी आपके वार्ड की बात की जाए, चूँकि आप तो अपने आप को आप घोषित ही कर चुकी कि मुझे चुनाव के मैदान में कूदना है, कांग्रेस पार्टी ने भी आप पर अच्छा भरोसा किया है, विनय जी की टीम का आप अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और कोशिश कर रही लगातार पिछले 4 महीने से जन सेवा के भाव के साथ में लोगों की समस्याएं सुनने की। किस तरह की समस्याएं हैं देखा जाए तो वर्तमान में? आपको मैं एक चीज बताऊंगी कि 71 वार्ड जब घोषित हुआ था, जब बहुत अच्छा आदर्श वार्ड घोषित हुआ था, लेकिन आदर्श वार्ड हम उस चीज को कहते हैं जहाँ किसी भी चीज में कमी पेशी ना हो। बिल्कुल सही कहा। आज मैं जहाँ रहती हूँ, मैं खुद अपना व्यक्तित्व बताऊंगी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ 5-5 फीट पानी भरा जाता है जी। मतलब आने जाने वाले लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे आगे जो बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं, बेचारा व्यापार वर्ग भी परेशान हो जाता है। अभी की ही बात बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी वाले दिन भयंकर पानी आया। मैं जनता के साथ, मतलब हमारे रहवासी संघों के साथ निकली सुबह
चार बजे से निकली, मैंने देखा कि इतना पानी भरा था, लोगों का इतना नुकसान हो गया, व्यापारी वर्ग का, और कचरे की समस्या, ड्रेनेज लाइन की समस्या, मतलब कचरा पाँच पाँच सात सात दिन उठना नहीं, लोग परेशान होते हैं। मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास भी लोग उन समस्या लेके आते हैं कि दीदी आज हमारे यहाँ का कचरा नहीं उठा है, आज हमारी ड्रेनेज लाइन परेशान है, पीछे का जो हमारा तीसरे नंबर की गली है 15-15 दिन पानी नहीं आता नर्मदा का। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वार्ड में कि लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं, और जनता यहाँ पे जो मीडियम वर्गीय भी लोग हैं वो भी व्यापार करता है, उनका इतना नुकसान हो चुका है कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। आदर्श वार्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये एक आदर्श वार्ड है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं आप चूंकि कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी बनना चाहती हूँ और आपने अभी से ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तीर छोड़ना शुरू कर दिए, आपकी व्यक्तिगत बात करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने राजनीति को तो अपना मूल मंत्र मान लिया और मूल उद्देश्य आपका गोल ही है कि आपको कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ना है और कहीं ना कहीं जनसेवा में अपने आप को रचा बसा लेना है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मैं सिर्फ एक समाज सेवा के लिए उतरी थी मैदान में। अच्छा, सही बात है। जब मैं समाज सेवा करने के लिए ही कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करती थी कि, लेकिन हमारे यहाँ जब कमलनाथ जी की सरकार मैंने देखी तो मैंने कहा क्यों ना, और विनय भाई ने मुझ पे बहुत विश्वास जता कि मुझे कांग्रेस ज्वाइनिंग कराए, तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस हिसाब से मैंने समाज की सेवा की है उसी हिसाब से मैं अब राजनीतिक भी निष्पाप होके सेवा कर सकूं। बिल्कुल सही ने कही, कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव से आप राजनीति में भी काम करना चाहते हैं। आपकी समाज सेवा की बात की जाए तो वो कौन सा दिन था, कब आपने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा और किस तरह के काम किए सेवा के? मैंने समाज क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम करे हैं, दो दो बार नानी बाई का मायरा करा चुकी हूँ, भागवत जी करा चुकी हूँ, और चुनरी यात्रा हर साल मेरी तरफ से निकाली जाती है, और गंगोर का बाना है, परशुराम जी की यात्रा है, मैं ऐसे बहुत सारे समाज के इवेंट करती हूँ इस क्षेत्र में, जो शायद ही मैं ये कहूँगी कि क्षेत्र में होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से क्योंकि एक नेतृत्व होता है और नेतृत्व जब महिलाओं को मिलता है तो महिलाएं अपने घरों से निकलती है और समाज क्षेत्र में, समाज में होने वाले आयोजन में हिस्सा लेती है। महिलाओं को जोड़ने के लिए आपने किस तरह से कार्य कर रखे? एक्चुअली महिलाओं का इतना प्रेम और इतना विश्वास है, क्यों? क्योंकि अगर आधी रात को भी अगर मेरे पास कोई भी महिला या कोई भी मेरा अनजान भी या पार्टी का विपरीत भी व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। बिल्कुल सही कहा, और जज्बा यही होना चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि का जो समाज में काम करना चाहता है, और आपने अभी से अपने आप को पूरी तरह से जनप्रतिनिधि बतौर ही पेश करना स्टार्ट कर दिया, और मुझे लगता है कि वाकई ब्रह्मांड से जो चीज़ मांगी जाए, आप चूँकि बहुत अध्यात्म करती है, ठाकुर जी की बहुत अनन्य भक्तों में शुमार है, जिस तरह से आपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही अपनी बात कही, आध्यात्मिक बातों से आपने कहीं ना कहीं बता दिया कि आप किस तरह से यूँ कहें कि बगैर स्वार्थ के हर काम को करना चाहती है। खासतौर से व्यक्तिगत और आपकी बातें करना चाहेंगे, व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक पृष्ठभूमि यहाँ की कैसी है, किस तरह से लोगों से जुड़ाव है आपके परिवार का, बंटी भैया किस तरह सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं? एक्चुअली मेरे पति का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वो पार्टी या मतलब किसी चीज को बिलोंग नहीं करते, समस्या किसी की भी हो वो तुरंत आधी रात को भी अगर आके कोई बोलेगा बंटी भैया ये काम है तो वो कभी किसी को मना ही नहीं करते हैं। मेरे पतिदेव का आज कहूँगी बंटी तिवारी जी के बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आज मैं जिस शिखर पे या जहाँ खड़ी हूँ उसमें उनका बहुत सपोर्ट है। उन्होंने हमेशा आधी रात को भी अगर मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमेशा मेरे लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह से सपोर्ट जब परिवार की तरफ से मिलता है तो आप जैसे नेतृत्व घर से निकलकर समाज में काम करता हुआ देखा जाता है, क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है, घर की जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, और उसी के साथ साथ फिर एक चुनौती होती है कि बाहर निकलकर किस तरह से काम किया जाए। क्या आपके सामने भी ऐसी कोई चुनौती कभी आई? देखिए मैं इतना बोलूंगी कि मैं समाज को भी इतना ही टाइम देती हूँ जितना अपने बच्चों और अपने घर और अपने परिवार को देना पसंद करती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं कभी भी मतलब राजनीतिक क्षेत्रों में भी काम करती हूँ और बच्चों पे भी इतना ही ध्यान देना, परिवार पे भी इतना ही ध्यान देना पसंद करती हूँ जितना मैं
मतलब परिवार के लिए करूंगी इतना ही राजनीति के लिए भी करूंगी, क्योंकि वो भी एक मेरा अपना परिवार। बिल्कुल सही कहा, जब अपने खुद के परिवार का व्यक्ति ध्यान रखेगा तभी तो अपने इस समग्र और एक वृहद परिवार का भी ध्यान रखता है। यही कहूंगी मैं कि मेरे परिवार का जैसा ध्यान रखती हूँ वैसा ही मैं समाज में भी अगर कोई भी व्यक्ति है उसका भी इतना ही ध्यान रखती हूँ। बिल्कुल सही कहा, आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व की धनी लेडी जब समाज सेवा के क्षेत्र में उतरती है तो उसके परिणाम सुखद आते। पिछले दिनों यूं कहे कि COVID-19 की महामारी का दौर था, आज भी वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने विकराल रूप लेती जा रही है। किस तरह के कार्य आपके द्वारा पिछले 4 से 6 महीने में किए गए जिससे समाज के उस व्यक्ति को, उस नर को, यूं कहे उस मनुष्य को जो परेशान था, उसकी किस तरह से आपने सेवा की? देखिए मैं यही बोलूँगी कि इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को किटें बांटी अपने घर से। बाईपास पे जो लोग नंगे पैर आ रहे थे उनको चप्पलें बांटी, पानी का आयोजन किया गया उनके लिए। मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने हमेशा किया। एक चीज़ और बोलूँगी, समाज सेवा में मैं मुदभरी बच्चों के वहाँ जाकर 5 साल से झंडा वंदन भी कर रही हूँ और मुझसे जो बन पड़ता है वो करती हूँ। छतरीबाग पे जो थाना है वहाँ के बच्चों के पास भी मैं जाके देख के आई कि जो बच्चे शाम को नहीं पढ़ पाते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उसके लिए मैं वहाँ पे देख के आई कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कंप्यूटर वगैरह है, और मुझसे जो बन पड़ता है वो मैं सेवा हमेशा करती हूँ। आपके द्वारा सामाजिक परंपराओं का भी काफी निर्माण किया जाता है, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन मैं इसलिए वहाँ पर जाके मनाती हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा लगता है कि जिसका कोई नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा, तो उन बच्चों के साथ भी तो मैं मनाऊँ। आज घर में तो हर व्यक्ति अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने मित्र सबके साथ रक्षाबंधन मनाता है, लेकिन उन बच्चों की भी तो खुशियों में शामिल होकर देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब उन बच्चों के पास जाती हूँ तो मुझे एक मन के अंदर से सुकूनता मिलती है, कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव। संतुष्टि के लिए मैं वहाँ जाती हूँ। बिल्कुल सही कहा, और मनुष्य को वही काम करना चाहिए जिससे आत्मसंतुष्टि मिले, और साथ ही साथ जब व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि का भाव आता है तो एक अतिरिक्त ऊर्जा आती है, उसे सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, और सकारात्मक ऊर्जा के बल पे ही व्यक्ति को मार्गदर्शन मिलता है। कहीं ना कहीं यूँ कहे कि ब्रह्मांड की तरफ से या ईश्वर की तरफ से एक ऐसा मार्ग दिखाया जाता है जिस मार्ग पर व्यक्ति बढ़कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है। आपका जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, कुल मिला के एनर्जी लेवल जो देख रहा हूँ, वाकई कुछ कर गुजरने के लिए है। कितना समय आप इन दिनों देती है सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक क्षेत्र में? सामाजिक कार्यों में तो जैसे मैं सुबह 7 बजे से मेरे पास लोगों के फोन आने लग जाते हैं, भाभी आज यहाँ ड्रेनेज की समस्या है, आज हमारे यहाँ पे मतलब पानी की समस्या है, तो फिर मैं अधिकारी वर्ग को फोन लगाती हूँ, वार्ड में घूमती हूँ कि किस क्या क्या दिक्कत चल रही है, तो सब चीजें मुझे पता चलती है। तो अधिकतर समय तो राजनीतिक क्षेत्र में और परिवार में ही गुजर जाता है। आपके बारे में यदि बात करें तो आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, आप अपने आप को कितना समय दे पाती हैं? इसके लिए मैं अभी तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अभी तो समय ऐसा चल रहा है कि मैं अपने लिए समय नहीं दे पाती हूँ। कितनी बार मेरी सासू माँ कहती है बेटा खाना तो खा ले जी। तो मैं यही बोलूँगी कि कितनी बार ऐसा होता है कि मैं खाना ही नहीं खा पाती हूँ घर में। खास बात और एक पूछना चाहेंगे, आपके हॉबीज क्या है, किस तरह से आप हॉबीज को आप जी पा रही है, पहले से किस तरह से आपको क्या क्या? मुझे भजन भाव का तो वैसे भी बहुत शौक है, और वो चीज हम खुद घर में कर लेते हैं, करवा लेते हैं। जैसे अभी भी मैंने रानी दादी सती का पाठ, मंगल पाठ करवाया था घर के अंदर, और डांस वगैरह की बहुत शौकीन हूँ। लोगों से बातें करना बहुत शौक है, लोगों की परेशानियां जानना, लोगों को मतलब समझने का बहुत समझने का शौक है कि क्या चल रहा है, किसको क्या समस्या है, यही शौक है मेरे। डांस की विधा की बात करें, नृत्य की बात करें, कौन सा नृत्य करते पसंद करती है? ऐसा कुछ नहीं है कि नृत्य कौन सा करती हूँ, जो भी बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलना, बड़ों के साथ बड़ों के हिसाब से करना। जैसे मेरी बड़ी बेटी को डांस का है तो कितनी बार वो कहती है मम्मा आओ अपन दोनों डांस करें, तो उनके साथ भी डांस कर लेती हूँ। मतलब मैं अपने बच्चों के साथ भी बच्ची बन के हमेशा खेल लेती हूँ। बच्चे कहते हैं मम्मी लाओ आज डॉल से ये खेल रहे हैं, तो उनके साथ भी मतलब हर तरीके से जिस हिसाब से जो व्यक्ति है उस हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लेती हूँ। क्या बात है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने अभी तक अपना बचपन नहीं खोया है, और जो व्यक्ति अपना बालपन नहीं खोता है, बचपन में रहता है, वो हमेशा खुशमिजाज होता है,
और दूसरों को भी खुश रखता है, दूसरों के भी ढेरों काम करता है। हम देखते हैं कि जब बचपन में होते तो आसपास आड़ पड़ोसी हमारे से मिलने आने वाले, हमको जानने वाले कितने सारे ढेर सारे उनके काम करते, और आपने इस उम्र में आके भी अपना स्वभाव जो है मूल स्वभाव, बड़े लोग ही कहते हैं जिनमें भी खुश रहना, वही कहते हैं कि अपना बालपन कभी ना छोड़ो, सबकी मदद करते रहो। और बालपन में हम सबकी मदद करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद केवल खुद की मदद करते हो, लेकिन आप में एक विशेषता देखी जा रही है, जितनी हमने आपको समझा है, जितनी आपसे चर्चा की है, आपका वो बालपन है वही आपको अंदर से बार बार ये कह रहा है कि नहीं आप कुछ करो, लोगों की मदद करो। और कहीं ना कहीं आपका संवेदनशील हृदय जो है लगातार आपको प्रेरित कर रहा है कि आप सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम हुआ, धार्मिक क्षेत्र में बहुत अपना अध्यात्म कर लिया, आप फुल टू यूं कहें कि राजनीतिक क्षेत्र में उतरे और समाज की वो सेवा करें, उन समस्याओं से उनको निजात दिलाए, मूलभूत सुविधाएँ दिलाए जिससे कि उनके जीवन का स्तर ऊपर उठ सके। जयश्री आपने हमसे, जया जी आपने हमसे चर्चा की द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट, एक वॉरियर के सेगमेंट में आपसे, आपने हमसे चर्चा की, एक योद्धा के रूप में चर्चा की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, जिस तरह से आपके विचार है, उससे मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि आप जैसे ऊर्जावान महिलाएं जब आगे आएगी तो समाज उनको हाथों हाथ लेगा, और आप जो चाहती है एज ए जनप्रतिनिधि सेवा करना, आप हर मुकाम पर सफल होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।